कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 37 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन भारत के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा सिर्फ 5 लाख से कुछ ज्यादा ही है, जिसके बाद भारत सरकार ने WHO की इस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी से हुई मौतों को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 2 साल में भारत में कोरोना से 47 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत सरकार के आंकड़ों में देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,23,975 है। ऐसे में WHO का आंकड़ा भारत सरकार की आधिकारिक संख्या से करीब 10 गुना अधिक है। 2018 में करीब 5 लाख ज्यादा मौतें डॉक्यूमेंट की गई जब पेंडेमिक नहीं था, 2019 में 7 लाख ज्यादा करी गई और अब 2020 में 5 लाख लगभग 4,60,000 या कुछ ज्यादा करी गई। अब ये सारी मृत्यु जो है पेंडेमिक की वजह से तो है नहीं, हमारी तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया था 2020 में 1,45,000 डेथ थी, तो थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के जारी होने के तुरंत बाद भारत ने WHO की मौत की गणना करने वाली पद्धति को लेकर सवाल उठाए हैं। भारत ने कहा कि WHO ने हमारी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किए बिना अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1.33 करोड़ से लेकर 1.66 करोड़ लोग यानी 1.49 करोड़ लोगों की मौत या तो कोरोना वायरस या स्वास्थ्य सेवा पर पड़े इसके प्रभाव के कारण हुई। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने इस आंकड़े को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे देशों को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि WHO बेहतर निर्णयों और बेहतर परिणामों के लिए बेहतर डेटा तैयार करने के लिए अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सभी देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत्यधिक मृत्यु दर में COVID-19 से जुड़ी मौतें शामिल हैं। WHO ने कहा अनुमानों को आधिकारिक तौर पर भारत द्वारा तैयार राष्ट्रीय आंकड़ों के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि डेटा और WHO द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों में अंतर है। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।